क्या एशिया कप और वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह। स्वागत है आप सभी का फैक्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स में, मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। एशिया कप करीब आ गया है, 30 अगस्त से एशिया कप स्टार्ट है। पाकिस्तान का पहला मैच है नेपाल से, उससे पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान से 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलनी है, वो भी श्रीलंका में। 22 अगस्त से ये ओडीआई सीरीज शुरू होगी। उसके बाद उससे पहले अगर बात करें, अभी फिलहाल चल रहा है लंका प्रीमियर लीग, जहां पर कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से नसीम शाह खेलते हुए दिख रहे थे। अब कोलंबो स्ट्राइकर्स अभी तो फिलहाल एलिमिनेट हो गई है लंका प्रीमियर लीग से। बाबर आजम की टीम थी, चमिका करुणारत्ने इनके कप्तान थे। तो जो आखिरी मैच था कोलंबो स्ट्राइकर्स का, वहां पर नसीम शाह वो मैच नहीं खेले, वो बेंच पर बैठते हुए नजर आए। अब सोशल मीडिया पर ये खबरें चली कि नसीम शाह को शोल्डर इंजरी है और इसी के चलते वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। और जैसी ये खबर आई तो पाकिस्तान की चिंताएं और पाकिस्तान के जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई कि अगर भाई नसीम शाह इंजर्ड हैं तो क्या वो अफगानिस्तान वाली ओडीआई सीरीज मिस करेंगे, क्या वो एशिया कप के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्या वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि एक तेज गेंदबाज को जब इंजरी होती है तो वो एक मेजर इंजरी होती है, बहुत लाइट इंजरी नहीं होती जिसके चलते वो जल्दी वापसी आ जाए। तो सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी, नसीम शाह ट्रेंड होने लगे कि शायद नसीम शाह आपको वर्ल्ड कप तो नहीं चलिए बट एशिया कप में शायद आपको दिखाई ना दे और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी दिखाई ना दे, क्योंकि वो बेंच पर बैठे थे और उनको शोरीफुल इस्लाम ने रिप्लेस किया था। और चमिका करुणारत्ने ने बताया था कि भाई आज का मैच नसीम शाह नहीं खेल रहे। बाबर आजम की टीम थी, कोलंबो स्ट्राइकर्स एलिमिनेट हो गई। बट उसके बाद नसीम शाह खुद मीडिया में आए और उन्होंने बताया कि भाई मुझे कोई इंजरी नहीं है, मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि मैं थक गया था। अब श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली, फिर लंका प्रीमियर लीग में इतनी गर्मी में लगातार नसीम शाह ने 5 से 6 मैचेस खेले। तो अब क्योंकि अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज आ रही थी, उससे पहले नसीम शाह ने थकान महसूस की और उन्होंने उस मैच के लिए ब्रेक ले लिया, क्योंकि आगे आने वाला है एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप भी है। तो पाकिस्तान को नसीम शाह की बहुत ज़रूरत है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रौफ, ये तीन की जो पेस बैटरी है ये कमाल करेगी। और नसीम शाह का जब ये खबर चली तो इंडिया वाले बड़े खुश हो गए कि यार नसीम शाह नहीं खेलेंगे, क्योंकि नसीम शाह याद होगा एशिया कप 2022, टी20 वर्ल्ड कप 2022, वहाँ पर बड़े बड़े विकेट उन्होंने लिए थे। के राहुल को आउट कर गया था, उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे, तो इस तरह के विकेट्स नसीम शाह ने लिए थे, इसलिए ये खबरें चलने लगी। बट नसीम शाह ने खुद मीडिया में आकर ये बातें का खंडन कर दिया कि भाई मैंने सिर्फ रेस्ट लिया है, मुझे कोई इंजरी नहीं है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।